अब रुक जम्मू कश्मीर का, जहां लूट की वारदात सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए की नगदी समेत सोने की अंगूठी लूट ली है। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। 3 अज्ञात लोग एक व्यापारी के पास आते हैं उसके शोरूम में, और गन पॉइंट पर कठुआ में ये वारदात हुई है, जहां गन पॉइंट पर इस शख्स से लूट की गई है। तो आप देखिए, ये शोरूम के अंदर ये तीनों शख्स दाखिल हुए हैं और फिर गन पॉइंट पर इस व्यापारी से पैसा लूटते हैं। आपको बता दें, 2 लाख रुपए का कैश और एक सोने की अंगूठी लूट कर ये लोग चले गए हैं। वारदात बुधवार रात 9 बजे की है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, जहां पर लगभग 2 लाख रुपए का कैश और गोल्ड रिंग और अन्य सामान लेकर ये लोग यहां से फरार हो गए। प्रदीप मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये लोग एक शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं, फिर गन पॉइंट पर उस व्यापारी से, बिजनेसमैन से पैसे लेकर और सोना लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। आखिर किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या इनको पुलिस अभी तक पहचान पाई है? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कर रही है, अभी तक पहचान नहीं पाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए ये तीन जो डकैत थे, और उन डकैत ने देखिए एक हेलमेट पहनी हुई ताकि इनकी पहचान न हो, और उनके पास हथियार थे। इनके पास देखिए कंट्रीब्यूट पिस्टल आपको नजर आएगी और शार्पेड वेपन भी था इनके पास। दाखिल होते हैं एक शोरूम में जो कि चढ़वाल का इलाका है, जो कठुआ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे। अब देखिए, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे काफी यहाँ पे हमेशा गाड़ियां चलती रहती हैं। किस तरीके से आते हैं, जो सड़क के किनारे पर एक शोरूम है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद देखिए गन पॉइंट पर एक तो 1.5 लाख रुपया सोना और एक सोने की अंगूठी और कुछ और चीजें लेके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उस जो शोरूम को मालिक है उसको बिल्कुल कुछ और नहीं करते, लेकिन गन पॉइंट पे करके ले जाते हैं। ये ऐसा वाकया जब जम्मू के ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमेशा आमोदरफ्त देखने को आपको मिले, गाड़ियां देखने को मिलती है, उसके बाद से भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से स्कैन कर रही है और लोगों से भी कह रही है कि हमें कोई मदद करें इंफॉर्मेशन देने में, कि कोई हमें इंफॉर्मेशन मिले ताकि हम तीनों डकैतों को दबोचने से। पूरी तरह से तहकीकात चल रही है और इनको ढूंढने का पूरे प्रयास हो रहे हैं कि ये कौन थे डकैत, और जल्दी से जल्दी इनको ताकि ढूंढा जाए और जो उन्होंने डकैती की है वो माल जब्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं तो फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन तलाश लगातार इन अपराधियों की जारी है।